वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड में लैब असिस्टेंट और एनवायरनमेंट सुपरवाइजर की वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप लोग भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारा एक कोर्स चल रहा है हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर। आपको बस ये करना है कि गूगल प्ले स्टोर में जाइए और विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो आप आज ही ये गूगल प्ले स्टोर से विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपरूप। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में जाना था, उसके वर्सेटाइल नेचर के को भी हमने समझा था वहाँ पर कि कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है यानी श्रृंखलन। कार्बन अनदर कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, वो और बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, अच्छा, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी कार्बन मैक्सिमम एक्सटेंट में शो करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट या तत्व है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अदरवाइज टेट्रावेलेंसी तो अदर एलिमेंट्स भी शो करते, लेकिन कार्बन की टेंडेंसी होती है कैटिनेशन को मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करने की। इसका रीज़न है स्मॉल साइज, मतलब कार्बन का जो साइज होता है, आकार होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो उसका साइज है वो छोटा है और इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी जो आपके सह संयोजी आबंध है उसे बहुत मजबूत तरीके से बना सकता है कौन, कार्बन। और इसीलिए इसके इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से यह कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा शो करता है। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपरूप। ये जो आपका फिनोमिनन है एलोट्रॉपी, हिंदी में इसे कहते हैं अपरूपता। वेन एन एलिमेंट अकर्स इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आपके जो फिजिकल फॉर्म्स है उस एलिमेंट के वो तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन केमिकली अंदर से वो कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। हिंदी में देख लेते हैं, अपरूपता का मतलब किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो भौतिक गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ भिन्न आएगा, भिन्न होते हैं, वह रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुणधर्म समान है क्योंकि अंदर से ये जितने भी एलोट्रॉप्स हैं किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए, लेकिन फिजिकली हमें बाहर से देखने में ये अलग लगेंगे। और जो इनके फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स यानी अपरूप। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं बेसिकली हम उनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं आपके क्रिस्टलिन और दूसरे होते हैं अमॉर्फस। ठीक है, तो आपके जो क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली इसमें आपको एक रेगुलर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स जो होंगे यानी आबंध के बीच में जो कोण होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। अमॉर्फस में इस तरह की रेगुलर ज्योमेट्री आपको देखने को नहीं मिलती। अगर हम इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स देखें तो हम देखेंगे डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा है आपका फुलरीन। ठीक है, और अगर हम इसके अमॉर्फस एलोट्रॉप्स देखें तो वो होंगे आपके कोक, कार्बन ब्लैक और चारकोल। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे डायमंड को, ग्रेफाइट को और फुलरीन को। तो पहली एलोट्रॉप जो हमें देखनी है वो है डायमंड यानी हीरा। हीरा जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, मतलब पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है ये। इसकी डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है वो 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर, कलरलेस रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है देखिए वो किस तरीके का होता है। एक कार्बन एटम यानी एक कार्बन का जो परमाणु है वो 4 अदर कार्बन एटम्स यानी 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब अगर मैं इस कार्बन एटम की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो ये यहाँ पर इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। क्या स्ट्रक्चर है, ये है रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय संरचना। 3D स्ट्रक्चर है ये, यानी 3 डायमेंशंस में होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे अगर हम इस बोर्ड को कह दें तो ये 2 डायमेंशन का हो जाएगा, अगर इसमें हम डेप्थ भी ले आएँ, गहराई भी ले आएँ तो वो तीसरा डायमेंशन आ जाता है। तो 3D स्ट्रक्चर है ये आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डायमंड में एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसी की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। नाउ ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, यानी ऊष्मा का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, ठीक है, विद्युत का सुचालक ये नहीं है, क्योंकि इसके पास विद्युत संचरण के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो है आपका, ये किस वर्ड से आया है, ग्रेफो शब्द से आया है, ग्रेफो का मतलब होता है लिखना, ठीक है, तो ग्रेफो शब्द से आया है ग्रेफाइट। ये होता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ठीक है, मुलायम होता है, अगर हम हीरे से कंपेयर करें नरम है, स्लिपरी है, फिसलने वाला, स्मूथ होता है बहुत। वो स्लिपरी स्ट्रक्चर इसका इसलिए है क्योंकि अगर हम इसके संरचना को देखें तो ये किस फॉर्म में होता है, इसमें हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। हेक्सागोनल मतलब जिसमें 6 कोने होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल जो आपकी रिंग होती है ना वो इस तरीके की होती है, ये 1 2 3 4 5 6 कोने हो गए, तो इस तरह की रिंग्स बनी हुई होती हैं। एक कार्बन एटम आपका 3 अदर कार्बन एटम के साथ कंबाइंड होता है, जैसे अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो एक कार्बन एटम ये लगा है, एक ये, एक ये, एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। यहाँ पर ये क्या बना रहा है, हेक्सागोनल रिंग्स बनाता जा रहा है। हेक्सागोनल रिंग्स की एक लेयर ये हुई, ऐसे ही अब एक लेयर ये है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती है, इसीलिए क्या है, ये स्लिपरी होता है, ठीक है। इन लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज होते हैं, ठीक है, कमज़ोर वॉन्डरवॉल बल है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, लेयर्स के बीच में। फिर देखिए, हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली, सी एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन फ्लैट लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। गुड कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए इनका प्रयोग इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी किया जाता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी विद्युत के सुचालक हैं ये। अब ये डार्क कलर्ड होते हैं, ग्रेफाइट को आपने मेनली देखा होगा जो आपके पेंसिल होती है, पेंसिल का जो आपका लेड है वो किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का होता है, ब्लैक कलर्ड यानी ग्रेइश बना होता है उसके अंदर, तो ये काले रंग का होता है, अपारदर्शी है और चमकदार, लस्ट्रस होता है, थोड़ी शाइन होती है इसमें, तो ये है आपका ग्रेफाइट और डायमंड। अब हम तीसरी एलोट्रोप की बात करेंगे, और तीसरी एलोट्रोप है आपकी फुलरीन। नेक्स्ट देखते हैं फुलरीन्स। फुलरीन्स जो है आपके किस शेप के होते हैं, ये हॉलो केजेस होते हैं कार्बन एटम के, यानी जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में बाहर से एक कवर है, अंदर उसमें एयर भरी हुई है, तो बिल्कुल हॉलो है, अंदर से खाली है वो, तो ऐसा ही होता है आपका फुलरीन का स्ट्रक्चर। कार्बन परमाणु एक फुटबॉल की संरचना में व्यवस्थित होते हैं, लार्ज स्फेरॉइडल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्फेरॉइडल मैंने जैसा कि बताया आपको फुटबॉल की शेप है वो स्फेयर की तरह ही अगर हो गया, ठीक है। कॉम्पोजिशन इसका होता है, इसको हम एक कॉमन फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, C2N, ठीक है, N की वैल्यू अलग अलग आ सकती है यहाँ पर, और उसके हिसाब से आपका कार्बन एटम्स जो है उसमें बढ़ते जाते हैं। अगर फर्स्ट वन हम बात करें कि कौन सा सबसे पहला फुलरीन आइडेंटिफाई किया गया था, तो वो है आपका C60, ठीक है, C60 को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी, और इसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन इसका नाम रखा गया, एक आर्किटेक्ट के नाम पर था, क्योंकि इसने जो डोम बनाया था उसका शेप जो था वो कुछ C60 के जैसा ही था, तो इस आर्किटेक्ट के नाम पर C60 का नाम रखा गया। शेप इसकी हमने जैसा कि बात की फुटबॉल की तरह है, 32 फेसेस हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका जो C60 है, C60 में आपके कितने फेसेस हैं, 32 फेसेस यानी 32 फलक हैं इसमें, जिसमें से 12 आपके पंचकोणीय यानी पेंटागोनल होते हैं, और 20 जो हैं आपके हेक्सागोनल यानी षटकोणीय फलक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लास्ट आपका यूजेस। यूजेस में अगर हम देखेंगे तो डायमंड आपका किस काम आता है, जेम स्टोन वगैरह कटिंग के काम आता है, ठीक है, कटिंग ड्रिलिंग जो टूल्स होते हैं, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, तो ये कटिंग और ड्रिलिंग के जो टूल्स हैं उसमें काम आता है बनाने में, और इसके अलावा आपके प्रेशियस स्टोन्स जो ऑर्नामेंट्स में या गहनों में इस्तेमाल होते हैं उसमें यूज़ होता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, ठीक है, अपचयन अभिकारक है ये, इलेक्ट्रोड्स में काम आता है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये विद्युत क्या है, विद्युत का सुचालक है। देखिए हमने ग्रेफाइट में पढ़ा था कि एक कार्बन एटम जो है आपका, एक कार्बन एटम जो है वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी एक वैलेंसी अभी भी इसकी फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है
इसकी हेल्प से ही ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड के पास ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसीलिए वो क्या कर रहा था, विद्युत का कुचालक था। लेकिन ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी के वजह से ये क्या करता है, ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, कार्बन एटम की अगर हम बात करें, एक कार्बन एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह काम करता है। इसके अलावा पेंसिल में, मैंने बताया पेंसिल में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो आपका लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। कोक की अगर हम बात करें तो स्टील मैन्युफैक्चर में और एज अ फ्यूल ये काम आता है। कार्बन ब्लैक की अगर हम बात करें तो ये रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पिगमेंट्स जो इंक के अंदर, जो आपकी जो इंक होती है लिखने वाली स्याही, उसमें जो पिगमेंट होता है, कलर्ड जो पदार्थ है, जो रंगीन जो पदार्थ है, वो आपका कार्बन ब्लैक है। पेंट्स में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स में इस्तेमाल होता है इसका। एक्टिवेटेड चारकोल की अगर हम बात करें तो ये कलराइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है शुगर इंडस्ट्री में। जब चीनी जो बनती है ना, वो पहले जब बनती है तो ब्राउन ब्राउन सी कलर की होती है, उसके बाद क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल से उसको साफ़ किया जाता है, वो डीकलराइज हो जाती है, साफ़ हो जाती है, उसका ब्राउन कलर हट जाता है। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ठीक है, कई रिएक्शंस में जब गैसेस का एड्सॉर्प्शन कराना होता है तो उसमें इस्तेमाल होता है। फिर कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। वुड चारकोल की अगर हम बात करें तो वुड चारकोल फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में भी काम आता है। तो ये है आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning App.